तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग, वैसे बॉक्स तो है ही नहीं, और रिव्यू करने वाले हैं आराम का एहसास। तो बेसिकली रिकॉन फाइबर के साथ में आने वाले ये तकिए का एक पैकेट आप लोग समझ सकते हो या फिर बैग आप समझ सकते हो। तो आप सामने से देख सकते हो कितना ज्यादा पतला है। नॉर्मली एक तकिया भी इतना ज्यादा पतला नहीं होता है और इसके अंदर ना दो तकिए यहाँ पे रखे हुए हैं। रिकॉन दरअसल एक फाइबर है जिसके अंदर कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है। कैसी होती है वो भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। आपके शब्दों में, अपने शब्दों में कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू भी करेंगे। ये कैसे तकिया काम करने वाला है, कैसे फूल करके एकदम कुप्पा सा होने वाला। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे मजेदार और अद्भुत वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो ठीक है, सबसे पहले ये आप पैकेट देख लो। पीछे की तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर टाइप का कुछ दिया हुआ है, पेपर कॉटन या जो भी है। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आराम का एहसास, वही लाइन जो मैंने बताई थी। और ये मोहतरमा टुरू सो रही है आराम से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके कुछ फीचर दिए गए हैं। हाइजीनिक शेप रिटेनिंग, यानी कि वापस से अपने शेप में उसी में आ जाता है। आप इसको कितना भी दबा लो, फुला लो, मोड़ लो, तोड़ लो, वहीं आ जाएगा। इसके अलावा स्प्रिंजी, खैर इतनी अंग्रेजी हमको नहीं आती, होगा कुछ जो भी है। एंटी एलर्जिक है, एंटी बैक्टीरियल है और इंसुलेटिंग है। तो ये तो भारी भरकम शब्द है, चाहो तो गूगल कर लेना अगर आपको नहीं पता है। मुझे पता है लेकिन हिंदी में नहीं पता है तो मैं नहीं बताने वाला। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारे इनके जो स्पेक्स हैं वो लिखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप तकिए को एक बार ओपन करोगे तो उसके बाद में तकिया अपने आप से फूल जाएगा और 24 घंटे में ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा जैसी इसकी होनी चाहिए। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एयर लॉफ करके इन तकियों को बोला जाता है कि ये एयर लॉफ तकिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस, तो भाई बहुत भारी भरकम किताब है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, तकिए को लेना और पानी में, गलती से भी मत कर देना खराब हो जाएगा। वैसे मतलब खराब तो नहीं होगा लेकिन सुखाना पड़ेगा क्योंकि ये वॉशेबल भी है, आप इसको धो भी सकते हो तो पानी से तो खराब नहीं होने वाला। इनका कहने का तात्पर्य अर्थात सिर्फ इतना है कि आपको इसको खोल देना है। हमने इसको वैक्यूम सील से पैक किया हुआ है इसीलिए इतना पतला है। आप इसको खोलोगे उसके बाद में 24 घंटे में अपनी शेप ले लेगा। वैसे 24 मिनट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम हुआ है जो कि हम ऑलरेडी गवा चुके हैं, अपने बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, मोहतरमा को कर देते हैं उल्टा। बस इनकी नींद खराब ना हो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन्होंने एक सस्ती वाली चेन भी दी हुई है, इसको हम लोग खोलेंगे और खोलने के बाद में इसके अंदर से हम अपने तकिए को बाहर नहीं निकालेंगे, बैग को तकिए के ऊपर से हटाएंगे और एकदम फेंक देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, ओ ये मोहतरमा अलग है, आराम से नींद ना खराब होने पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो तकिए हैं। अब भाई देख लो कितने मोटे मोटे हैं, इनको तकिया कह के ना तकिया भी शर्मा जाए। पहले से ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आप लोग सोच रहे हो तकिए का रिव्यू कर रहा है, तो भाई ये तकिया नॉर्मल नहीं है। जिन लोगों को पता है इसके बारे में बोलो जय हो, जिनको नहीं पता उनकी भी जय हो, पता आप चल जाएगी। आप लोग खरीदना चाहते हो तो मेरे लिंक से खरीद पाओगे। ये नॉर्मली वो पैकिंग है जिसके अंदर इसको एयर टाइट पैक किया गया है वैक्यूम की मदद से। अब हम इसको काटने वाले हैं। ओ भाई साहब तो भाई लोग काटने में तो अपन इतने अच्छे हैं नहीं, अब दूसरी साइड से ट्राई कर लेते हैं और कोशिश रहेगी अब की बार सीधा सीधा कटे। तो ठीक है जल्दी से खोल लेते हैं। तो देखो फूलना शुरू हो गया है। तो भाई ये अच्छा रह गया थोड़ा सा, तो अब इसको इसके अंदर से बाहर निकालेंगे और नतीजा आपके सामने है। और इस पर एक जगह और लिखा हुआ था, इसको ना आपको थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये प्रॉपर अपने शेप में आ जाए, अच्छी तरह से फूल जाए। तो बस इतना हिला दिया, पसीने आने लगे, इससे तो नहीं पूछूंगा। तो भाई देखो कुछ इस तरह का तकिया बन के तैयार है। तो और ये हाँ, ये ना दरअसल दूसरा पैकेट मैंने मंगाया, एक पैकेट इससे पहले आया हुआ रखा था जो कि रिप्लेस करके ये वापस मंगाया कुछ रीजन की वजह से। पहले पसीना पूछ लो, एक मिनट देना। तो लाइफ फिर से ऑन, पसीना इज गॉन, वापस उठा लेते अपना तकिया। तो आप बताते हैं ये दरअसल ऐसा हुआ कैसे और इतना पतला होकर रखा कैसे था। तो इसके अंदर कोई हवा नहीं भरी है, इसके अंदर दरअसल फाइबर है, रिकॉन फाइबर इसको कहते हैं। वैसे गौरव बता रहा है मुझे अभी भी कि रिकॉन एक टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे और कोई होलो पॉलिस्टर करके कोई फाइबर हुआ करता है, मतलब वही रिकॉन फाइबर जिसको मैं बोल रहा हूँ। उसके अंदर दरअसल होल्स होते हैं छोटे छोटे और उसको अगर आप बिना हवा के किसी भी मतलब वैक्यूम से पैक करोगे ना तो वो बहुत पतला हो जाएगा, जैसे हमारा तकिया ये पहले था। कैसा था? इस तरह का। तो ये बिल्कुल वैक्यूम टाइट पैक किया गया है और जब आप इसको हवा में लेकर के आओगे तो आपका जो फाइबर था
होलो वोलो जो भी था वो आपका फूल करके वापस से ऐसा हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपका तकिया बिल्कुल रेडी टू यूज है। अभी भी आप इसको यूज कर सकते हो, आपको भगाएगा नहीं। और मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो मार्केट में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो जिन लोगों को इसके बारे में पता था बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत समझदार हो। हमेशा की तरह आपको अवार्ड दिलवाएंगे, साल के एंड में जो बच जाएंगे वो आप लोग ले लेना। और जिनको नहीं पता था तो भाई देखो मार्केट में ऐसी चीजें भी आ चुकी हैं। इसको एयरलॉफ कुशंस पिलो जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो। मैंने बाय द वे इसको लोकल मार्केट से खरीदा, 550 रुपए के मुझे ये दो पड़े हैं। उसने बोला था कि अच्छे वाले हैं, आप 300 वाले ना छोड़ गए, 550 वाले ले लो। मैंने 550 वाले लिए, खराब निकले पहले वाले, रिप्लेस करके दूसरे आए हैं, तब आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। वेल खराबी उसके अंदर कोई नहीं थी, लेकिन उसकी सिलाई ना वो निकली हुई थी, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। आप लोग जब भी कहीं से लेते हो तो सिलाई का थोड़ा सा ध्यान देख लेना एक बार लोकल मार्केट से, और ऑनलाइन मंगाते तो ऑनलाइन तो आपके पास में पूरा अश्योरेंस होता ही है। बाय द वे अगर आप खरीदना चाहते हो मेरे किसी भी ट्रस्टेड स्टोर से या फिर ब्रांड से, तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इनको खरीद सकते हो। सकता है ब्रांड वगैरह दूसरा हो, मोहतरमा जो हमारी थी वो आपको शायद इसके साथ में ना मिले, लेकिन तकिया तो आपको बिल्कुल इसी तरह का मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये तकिया भी और वो मोहतरमा भी। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और खरीदना चाहते तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो आपके लिए बनाऊं, आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में। वेल गर्मी बहुत है, जाना पड़ेगा, गुड बाय।